से कि ये लगता है कि ईडी का जो जांच की प्रक्रिया है उस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद है तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर 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 इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सरेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलें को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज है, तो इस पे ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कि जो अर्जियों वाली बात है जिसमें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने यह कहा था कि भाई जो इन लोगों की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई आरोपियों की तरफ से उसमें देरी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मनीष की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई हैं 14 सीबीआई ईडी के मामले में 13 सीबीआई के मामले में वो पत्नी से मिलने फाइल पर साइन करने वाली है और मनीष की तरफ से कोई देरी नहीं की गई है ट्रायल शुरू करने में। ये ट्रायल कोर्ट के जो आदेश था कि अपीलेंट यानी कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्रायल को डिले किया है उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो भी जो एप्लीकेशंस लगी हैं वो एप्लीकेशंस पर्टिनेंट थी, वो एप्लीकेशन जरूरी थी और तभी लगाई गई थी, ट्रायल को डिले करने के लिए नहीं लगाई गई थी। और ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है उसको डिस्कार्ड किया है। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि बेल के मामले में ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी बेल पिटीशंस ना आए। ये भी मनीष सिसोदिया जी के बेल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। एक अहम सवाल ये भी कहा कोर्ट ने कि ट्रायल कोर्ट और निचली अदालत को ये समझना चाहिए कि जो बेल है वो नियम है और जो जेल है वो अपवाद है। इस बात को निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने अनदेखा किया। बिल्कुल, उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ बेल है वो कहता है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो जितने भी ट्रायल कोर्ट के लोग हैं, जो जो जजेज हैं, वो हाई कोर्ट के जजेज हैं, वो इसका ध्यान रखें और बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल ना करे, इस पे भी जो है